सारण के बिहार में सावन के दूसरे सोमवार को हरियाली और सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। वहीं 57 वर्ष के बाद बना ये विशेष संयोग। मिथुन राशि का चंद्रमा एवं पुनर्वसु नक्षत्र की साक्षी तथा व्याघात योग चतुष्पद करण के संयोग में सोमवती हरियाली अमावस्या का पूर्णकाल विशेष फलदायी है। सावन के दूसरे सोमवार 17 जुलाई को हरियाली व सोमवती अमावस्या का भी संयोग बन रहा है। 57 वर्ष बाद ऐसा संयोग बना है। इससे पहले 1967 में 18 जुलाई को सोमवती अमावस्या थी और अब 2023 में 17 जुलाई को आ रही है। वहीं सूर्य चंद्र बुध राहु केतु उस समय जिन राशियों में थे इस बार भी उन्हीं राशियों में रहेंगे। इसके अलावा इस दिन स्नान दान के साथ शिव शक्ति की संयुक्त साधना लाभकारी होगी। पितरों के निमित्त पिंडदान करने से शांति प्राप्त होगी। हरियाली अमावस्या पर परंपराओं का अपना महत्व है। हालांकि पौराणिक तथा शास्त्रीय मान्यता के आधार पर देखें तो अमावस्या पर स्नान की परंपरा है। वहीं पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान तथा अन्य पूजा के साथ ग्रो ग्रास व भिक्षु को अन्नदान आदि करने का विधान है। यही नहीं, अमावस्या के मध्यरात्रि में भगवान शिव और शक्ति की संयुक्त साधना भी आध्यात्मिक सफलता की प्राप्ति कराने में समर्थवान रहती है। पीपल के पेड़ पर एक सवाठ बार से लगाना चाहिए, पूजा अर्चना करना चाहिए। उसके बाद आज के दिन पूजा अर्चना करके रुई या मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। आज रुई या मूली छूना वर्जित है। सुहागन का सुहाग अखंड रहेगा आज के दिन पूजा करने से। आज जलाभिषेक भी बाबा के पास लोग जाके कर रहे हैं, और क्या विशेष महत्व है? श्रावण का दूसरा सोमवार है, आज शंकर भगवान का जलाभिषेक किया जाता है, पूजा अर्चना किया जाता है। और सोमवती अमावस्या है तो पीपल के पेड़ के नीचे आ करके पूजा अर्चना करके 108 बार फेरी लगा करके और कथा सुनना चाहिए। आज के दिन रुई और मूली नहीं छूना चाहिए। अपना नाम बता दीजिए।